अस्सलाम वालेकुम, बैक अगेन न्यू वीडियो। माय नेम इज मुजरमान और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन टीवी। तो पेमेंट आ चुकी है और पेमेंट लेने मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। तो हैदराबाद क्यों जा रहा हूँ पेमेंट लेने और उसके पीछे क्या वजह है और कितनी पेमेंट आई है, तो ये सब कुछ आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि फरवरी की पेमेंट आई है। तो उससे पहले सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर चैनल पर अभी तक नया हो, सब्सक्राइब नहीं किया था, जरूर उसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप सबको मिल सके। तो ये कुछ है, जब हम हैदराबाद गए, ठीक है, वहाँ पे मैं फाइनली पहुँच गया था। उसके बाद मैं वेट कर रहा था और किसका वेट कर रहा था वो भी बताऊँगा। और फिर हम वलीद भाई के पास कब गए हम वो भी ये बात बताएंगे, क्योंकि असल में जो सब कुछ पेमेंट जो जिससे लेनी थी वो वलीद भाई थे जिनसे लेनी थी। वलीद भाई को मैंने, क्योंकि मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहा था और दो दफ़ा मैंने पेमेंट मंगवाई, उन्होंने मुझे बिल्कुल टाइम पर पेमेंट दी, तो आज उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम इन चाचा से मिले जो कि बड़े मतलब मजाकिया और काफ़ी हरकतें हैं इनकी, मजाक मस्तियाँ इन्होंने की इनकी। मैं आपको आगे क्लिप भी दिखाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा, बड़े मजाक मस्तियाँ करते हैं ये। ये था वो जिसकी वजह से मैं लेट हुआ। और खैर, जापान वाली थी वो सी पाँच की पता नहीं, आप एक आवाज़ निकाल दो, आपने पहले भी निकाली थी कि मैं चाइना चला गया। वो दस रिश्ते के ना और क्या पिछली थी ये वाली आवाज़ ना, और दस रिश्ते ना पिछती थी मतलब क्या बड़ा चिल बंदा और काफ़ी मतलब मजाक मस्ती है। चूड़ियों की असल में इनकी दुकान है। और ये है कि मुझे थोड़ा काम था तो मैं इस वजह से गया था, तो ये कि मैं इनसे ही मिला, क्योंकि मैं एक दो दफ़ा जब भी हैदराबाद गया तो मैं इनसे ज़रूर मिलाऊं। और ये देखो अभी भी आप इनकी हरकतों अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसी हरकत है, और हंसना भी चेक कर सकते हो इनका। अपना एकदम हाथ दिला दो रेस्टोरेंट पे गए थे। और ये कि वलीद भाई मेरे साथ थे और खाने वाने का थोड़ा सीन था, तो वलीद भाई को मैं ये भी दिखाता हूँ। तो ये बिरोई रेस्टोरेंट है, बड़ी ज़बरदस्त इनकी कढ़ाई थी और दो घंटे बाद आई थी, ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आया था यहाँ पर भी। और ये कि कढ़ाई बहुत आला थी, वाकई लग रहा था कि यार कुछ खाया है। तो फाइनली ये हैं हमारे वलीद भाई, ठीक है, ये वलीद भाई हैं, ये उनके दोस्त हैं फुरकान खान। तो ये दोनों असल में मेरे दोस्त वलीद भाई हैं, और वलीद भाई के थ्रू मेरा फुरकान से भी कांटेक्ट हुआ, और फुरकान भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दोस्त है और काफ़ी अच्छी इनसे बातचीत है। तो ये था कि यार मुझे आप लोगों से मिलवाना था इन लोगों को, कि यार आप देखो कि मतलब कि मैं इनको जानता तक नहीं हूँ, उसके बावजूद भी ये मेरी कैसी हेल्प कर रहे थे पेमेंट के अंदर और हर एक चीज़ के अंदर। उसके बाद जाके मैं इनसे फाइनली मिला। और ये कि अब जो भी पेमेंट आती है वलीद भाई की उसमें ही आती है, पेमेंट कितनी है, ये चलते हैं पेमेंट की तरफ। अच्छा जी, तो अब आप चेक कर सकते हो कि हम आ चुके हैं फरवरी के अंदर, जो कि 28 दिन के अंदर हमारी पेमेंट जो कि हमारे व्यूज़ बने 2.4K, ठीक है, उसके अलावा हमारे जो वॉच टाइम है वो 1.3K, उसके अलावा 150 प्लस हमारे जो हैं वो सब्सक्राइबर थे 100, और उसके बाद 325 हमारे डॉलर थे, ठीक है, 325 हमारे डॉलर बने। और उसके अलावा फिर आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि कौन सी वीडियो पर किस हिसाब से वॉच टाइम आया और ये सब कुछ क्या हुआ। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, अगर हम रिच के अंदर चलते हैं तो रिच कितना और ये टोटल अमाउंट कितनी बनती है मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। इंप्रेशन आप चेक कर सकते हो, बड़े ज़बरदस्त बने। क्लिक थ्रो रेट हमारा 7.3% चल रहा था। व्यूज़ हमारे जो यूनिक थे वो बड़े ज़बरदस्त आए, कि मतलब 50% हमारे यूनिक भी इसमें व्यूज़ आए, जिस वजह से हमारा जो चैनल है वो बड़ा ज़बरदस्त गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यूट्यूब जो सर्च था हमारा वो बड़ा ज़बरदस्त था, हमारा पेज सर्च बहुत अच्छा है, हमारा सजेस्ट वीडियोज़ जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त हैं, फ्यूचर जो ब्राउज फीचर्स था वो हमारा 5% रहा है, उसके अलावा काफ़ी ऑर्डर्स जो होते हैं वो हमारे पास भी यहाँ पर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ उसके बाद आप चेक कर सकते हो कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा जो जिसका ट्रैफिक हमें गेन हुआ है फरवरी के अंदर, जो व्यूज़ मिले हैं वो वेस्लिंग की थी, उसके बाद प्लेजी निज़ाम, फिर वेस्लिंग कंपनी है, सारे टैग्स कहलाते हैं आपके, तो यहाँ से आपने ये सब कुछ भी चेक कर लिया। उसके अलावा अगर मैं इंगेजमेंट में चलता हूँ तो इंगेजमेंट में हमें देखने को मिलता है कि भाई आपके जो व्यूज़ था या जो आपके जो वॉच टाइम बना है उसकी अगर हम एक एक व्यूज़ से डायरेक्शन लें तो कितनी बनती है, क्या एवरेज आया है, तो आपका एवरेज चल रहा था 4, कम से कम भी 4 मिनट। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि लोग कम से कम देख रहे थे, ग्राफ जो था वो आपका नीचे जा नहीं रहा था बल्कि ऊपर ऊपर रह रहा था, आप चेक कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पर ये चीज़ बता रहे हैं कि अगर 8 मिनट की वीडियो थी तो आपके जो व्यूवर्स थे वो आपकी कम से कम भी 7 मिनट वीडियो देख रहे थे, ठीक है, 7-7.5 मिनट देख रहे थे 100% में से 94%, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आके भी अगर व्यूज़ टूट रहा था तो वो आपका 78% पे टूट रहा था, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अगर उसके अंदर टॉप पे बात करें कि सबसे ज़्यादा किसका वॉच टाइम रहा है तो वो इस वीडियो का, फिर इसका, फिर इसका,
एंड स्क्रीन लगाने का फ़ायदा ये होता है कि देखो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ना कुछ व्यूज़ आते रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम ऑडियंस के ऊपर आते हैं तो ऑडियंस में हमें पता चलता है कि यार हमारे यहाँ पे जो रिटर्निंग जो हमारे व्यूज़ हैं वो किस हिसाब से रहे हैं, हमारे यूनिक व्यूज़, हमारे सब्सक्राइबर, उसके बाद हमारी जो वॉच टाइम, जो हमारा जितने भी हमारी जो वो आई है, हमारी जो ट्रैफिक आई है वो कौन से टाइम पर आई है। अब देख सकते हो आप कि ये जो दो लाइनें हैं ना ये बड़ी मेरे पास इंपॉर्टेंट रही हैं मेरे हर दिन, ठीक है। तो मतलब ये टाइम कौन सा है, अगर हम इस टाइम की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेके और उसके बाद दूसरे लाइन की बात करें तो ये 9 बजे, ठीक है, 9 से 10 बजे सुबह के अंदर हमारे पास बड़ा अच्छा ट्रैफिक रहा। उसके बाद ये कि फिर वो थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता रहता है। उसके अलावा आपको अपने चैनल का भी बताता है कि यार आपके जो व्यूवर्स हैं या जो आपकी वीडियो देख रहे हैं वो और कौन से चैनल्स आपके देखते हैं, तो ये है कि टॉपिक का आपको अंदाज़ा हो जाता है, जैसे आपको पता चल जाता है कि यार कौन सी वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे मेल्स फीमेल्स हमें देखने को मिल जाता है कि किसने हमारी परसेंटेज किसने ज़्यादा देखी। अगर उसके अलावा यहाँ हम बात करें कि कौन सी एज वाले लोगों ने ज़्यादा देखा है तो 18 से 24 और 25 से 34 वालों ने बहुत देखा है। मतलब कि यहाँ पर ये कि ये लर्निंग एज होती है तो शायद इस वजह से हम इस चीज़ को अच्छा समझ सकते हैं। अगर हम रिव्यू में आते हैं तो रिव्यू में आने के बाद हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जो है वो हमारे डॉलर ना बनने की वजह ये थी कि क्योंकि हमारा जनवरी के अंदर तो वैसे ही हमारा डिमोनिटाइज था चैनल, बट उसके बाद यहाँ पर हमारा जो मोनिटाइज हुआ तो हमारे यहाँ पे $325 हमारे बने, और जिसमें अगर टॉप वीडियो की बात करें तो ये थी जिसके अंदर हमें $23 मिले, फिर 22, फिर 22, फिर 22 इस तरीके से, ठीक है। बाकी नीचे से नहीं जाऊँगा, मार्च की वो मार्च के मंथ में ही मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा जी, तो हमारे यहाँ पे जो डॉलर थे वो 325 थे, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा RPM रहा है वो हमारा RPM रहा है कि $15 रहा है। ये $16 अगर आप इसको लगा लो तो $16 का मतलब ये है कि हमें जो CPM मिला, मतलब कि हमें जो एक क्लाइंट की तरफ से जो हमें व्यू मिला या हमें जो डॉलर मिले वो ऐसे मिले कि हमें 1K व्यू पे $44 मिल रहे थे, ठीक है, जिसमें से कुछ हमारा YouTube ने रखा। उसके बाद हमें जो फाइनली मिला वो हमें $15 1000 व्यूज़ पे मिल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये डॉलर बने, ठीक है। अब हम चलते हैं गूगल पे और मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ USD टू PKR कि हमारे डॉलर कितने बन रहे हैं, और उस टाइम पे डॉलर कितना था, आई थिंक 152 या पता नहीं ऐसा कुछ था, और मैं आपको फिर भी खैर टोटल पेमेंट बता दूंगा। तो ये हमारे यहाँ पर वैसे बन रहे हैं 49,562, बट मुझे यहाँ पर मिले थे कम से कम भी 50,700 मुझे ये मिले थे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पेमेंट है और माशाल्लाह ज़रूर कह देना, और उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहोगे, जैसा आप प्यार करते हो वैसे ही करते रहोगे, और जो लोग बैड कमेंट्स या सपोर्ट नहीं करते उनके लिए भी दुआएं कि अल्लाह उनको कामयाब करे, क्योंकि जेलसी में कुछ नहीं रखा। आपको कामयाबी के लिए दूसरों को भी साथ देना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है, जब जाके अल्लाह भी आपको कामयाब करता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और अगर अभी तक आप कुछ यहाँ से अर्न करना चाहते हैं, कुछ आप सीखना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताओ कि कौन से ऐसे टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेके आएँ जो आपको ज़रूरत है या नीड है, आपको चाहिए वो वीडियो, ठीक है। तो कमेंट जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स आपका ये, फिर मिलता है कोई नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।